अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिल कुमार, पिताजी का नाम श्री बैद्यनाथ महतो, मधुबनी जिला के भक्ता गाँव मेरा घर पड़ता है। मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स है। अभी आपका सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ? जी मेरा सिलेक्शन अभी RRB चंडीगढ़ द्वारा आयोजित NTPC के एग्ज़ाम में जो है CA के पोस्ट पे हुआ है। उसके बारे में कुछ बताइए, जिस पद पे आपका हुआ उस पद के बारे में बताइए, क्या वो पद? CA जो मेरे पता है उसका कॉमर्शियल अप्रेंटिस होता है, कि जो है जितने भी कॉमर्शियल संबंधित उसका वर्क होता है वो उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये रेलवे का जॉब है? जी हाँ। आप युवा मंडल में कितने दिनों से आ रहे हैं? जी हाँ, मैं जो है 2010 से यहाँ प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का सदस्य बना हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही जो है गायत्री मंत्र का जो है जाप करता हूँ, लेकिन इसकी जो है शक्ति के बारे में मुझे पता नहीं था, वो यहाँ आने के बाद ही पता चला। आप पहले क्या थी जो यहाँ आने के बाद चेंजेज हुई है, युवा मंडल में जुड़ने के बाद आपने क्या परिवर्तन हुआ है? जी हाँ, मैं जब यहाँ जुड़ा था वहाँ मैं मानसिक परेशानियों से गुजर रहा था, चूँकि हम SSC का लगभग 8-9 मेंस दे चुके थे, मेरा फाइनल नहीं हो रहा था। हम बहुत फ्रस्ट्रेट थे कि जो है क्या होगा, मतलब अभी तक नहीं हो रहा है, फाइनल दे रहे हैं 2-4 नंबर से छूट जा रहा है। तो मेरे मित्र द्वारा यहाँ लाया गया, यहाँ से हम जुड़े तो हमको अच्छा लगा, और यहाँ जो है जुड़ने के बाद यहाँ भैया द्वारा बताए गए बातों को मैं निष्ठापूर्वक पालन किया, और जो है वह पालन करने के बाद मैं अपने कर्तव्य से जो है कभी नहीं हटा। मैं सोचा कि मेरा काम सिर्फ पढ़ना है, मैं पढ़ता हूँ, रिजल्ट किसी और के हाथ में है, वो जरूर होगा, ये मुझे विश्वास हो गया। आप कितने देर साधना करते हैं? जी मैं 20 मिनट नियमित करता हूँ, कभी कभी कम पड़ जाता है, लेकिन मैं या मेहमानी में कहीं दूसरे जगह होता हूँ तो रात को सोते वक्त मैं लेट के कर लेता हूँ। साधना से आपको क्या प्रभाव पड़ा? साधना से यह है कि मेरा जो है इंटरनल एनर्जी बहुत मतलब आया, मुझे कभी मतलब ये नहीं सताता था कि जो है मुझे जॉब नहीं होगी, मैं दृढ़ विश्वास हो गया कि मुझे जॉब डिफिनेट होगी। लक्ष्य के बारे में कुछ बताइए, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? जी मेरा अंतिम लक्ष्य यही है कि हम सिविल सेवा तक पहुँचे जो है, और अपने खासकर मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, कोसी के दोनों तटबंध के बीच पड़ता है, तो मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं, और मैं गुरुदेव की सेवा के तौर पे अभी भी जो है जब भी गांव जाता हूं तो जो है हम अपने जो है 10 11 12 या ऑनर्स के लड़कों को इकट्ठा करके, अपने अगल बगल के गांव के लड़कों को इकट्ठा करके यहां से सीखे हुए बातों को शेयर करता हूं, और जब भी जाता हूं तो छोटे छोटे गुरुदेव की किताब ले जाया करता हूं और उन लोगों में बांटा करता हूं। आपका कोई उद्देश्य, ये कोई आप अपना ये बताइए, अपने भाइयों को कोई संदेश देना चाहते हैं? जी मैं अपने मम्मी पापा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा को कोई संदेश दीजिए? युवा को कि वो कर्तव्यनिष्ठ बने, अपना कर्म जो है निष्ठापूर्वक करें, क्योंकि विद्यार्थी का एक ही धर्म होता है कि पढ़ाई करना, वह पढ़ाई अच्छा से करे, मन से करे, डेफिनेट उसको सफलता जरूर मिलेगी। आपको आपके सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।